इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, थोड़ा स्मार्टली हैंडल करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा एडजस्ट करना सीखा करिए, ठीक है, इंटीग्रेशन में। तो जैसे आप एडजस्ट करना जितना ज़्यादा सीखोगे आपके लिए इंटीग्रेशन उतना आसान होता चला जाएगा, ठीक है। एडजस्ट देखिए कैसे करते हैं, यही आपके लिए एक्सपीरियंस बनेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, इंस्पिरेशन बनेंगे और इसी से आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। खैर तो देखिए, अगर हम मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 है और इस एक्स की पावर 5 को हम क्या लिख लें, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख लें, ठीक है। अच्छा, फर्दर हम इसको थोड़ा और एडजस्ट करें क्योंकि हमें इसके साथ ऐड करना है, तो अगर बेस सेम होगा तभी तो पावर ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 है ही है, हम क्या कर ले रहे हैं, इस एक्स क्यूब में माइनस वन कर रहे हैं और प्लस वन कर दे रहे हैं, तो ये यहाँ से ये चीज़ सेम हो गई, बेस सेम हो जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आगे हम कैसे इसको लिखते जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी एक बार इसके साथ एक बार वन के साथ, तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 और ये कितना हो जाएगा आपका, पावर वन हो जाएगा, तो 1/3 प्लस वन, और इसे क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इंटू एक्स स्क्वायर और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक, तो ये जाएगा प्लस का एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये हो गया dx, ठीक है। तो इसे दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं dx। तो यहाँ पे हमने दो स्टेप देखा, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे एडजस्ट किया गया है, थोड़ा सा स्लोली आप एक दो स्टेप बढ़ा लीजिएगा लेकिन देखिए कैसे किया गया है। अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि ये एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो हमें 3 और चाहिए तो हमने 3 ले लिया, लेकिन इसके बदले हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक तरह से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, वही काम, यहाँ पे भी हमें इसका डेरिवेटिव क्या है, 3x स्क्वायर, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया गया। तो अब ये फॉर्मेट दोनों ही इंटीग्रल जो आपके हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए है ना, एफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स, और उसका आपके पास फॉर्मूला क्या डिस्प्ले हो रहा है ये आप जानते होंगे है ना, कि एक्स की पावर एन की तरह ही फॉर्मूला उसका लग जाता है, 4/3 प्लस वन मतलब 7/3 हो जाएगा अपॉन 7/3, तो 7 नीचे 3 ऊपर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी नहीं रहना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 4/3 और नीचे भी आप क्या लिखोगे 4/3, तो यहाँ भी 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका एक इनडेफिनिट कांस्टेंट सी है, ठीक है।